ब्लॉग मिलते हैं एक नए ब्लॉग में। फाइनली हम अभी जा रहे हैं हरिद्वार और ये मेरी परी की पहली राइड है। अभी समय हो चुका है, मैं भी आपको टाइम हो चुका है बिल्कुल 9:59 और अब हमने यहाँ से स्टार्ट कर दी अपनी राइड और अभी हम फिलहाल यहाँ पर है, ये आउटर रिंग रोड है दिल्ली। अब यहाँ से हम अपने राइड स्टार्ट करेंगे, अब देखते हैं हम कितने बजे तक हम वहाँ पर पहुँच जाते हैं, ठीक है। बाकी हम बीच में वीडियो थोड़ा थोड़ा मतलब लेते रहेंगे। चलते दोस्तों, फाइनली हम पहुंच गए। सुबह के 3 बज रहा है और हम हरिद्वार में प्रवेश कर चुके हैं। कहते हैं देवों की भूमि उत्तराखंड, तो उत्तराखंड में हम आ चुके हैं और अभी मुश्किल से 50 किलोमीटर और है हमें कवर करना है, जो मुझे लगता है 1 घंटे में या 1.5 आवर में हम कंप्लीट कर लेंगे इसको। बाकी आगे देखते हैं क्या होता है ना, प्रभु की तो माया है ही हमारे साथ। Thank you.
तो कैसे हो दोस्तों आप लोग? हम एक्चुअली रात को हम यहीं स्टे किया था हम लोगों ने, और अभी हम फ़िलहाल एक धर्मशाला में है। धर्मशाला का नाम है रानीपुर मोड़ क्षत्रिय धर्मशाला, और ये कुछ वंशज के हैं जिन्होंने ये इनका धर्मशाला है। और ये धर्मशाला मतलब करीबन 8 बीघा में है, मैं आपको दिखाता हूँ एक सेकंड। बट ये जेन्युइन धर्मशाला है, बहुत ही अच्छी, मतलब अच्छी फैसिलिटी तो नहीं है बट हाँ धर्मशाला के अकॉर्डिंग तो सही है। तो आई विल मतलब मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ, आई जस्ट वॉन्ट टू से यू टू यू दैट आप सभी आ सकते हैं इस धर्मशाला में, बहुत बेहतरीन धर्मशाला। मैं दिखाता हूँ एक बार कि धर्मशाला पूरे 8 बीघा में, ये 81 रूम नंबर हमारा था। अभी मैं दिखाऊंगा रूम नंबर, रूम भी कैसे हमारा, ये हवन कुंड बना हुआ देख लो। मतलब बाहर से देखने में आपको लगेगा नहीं कि इतना बड़ा है, क्योंकि बाहर बस छोटा सा ही है, लेकिन जैसे ही आप एंटर करोगे, एंटर करने के बाद आप बाहर भी आ सकते हो। वो देखो हमने अपनी बाइक लगाई हुई है वहाँ पर, यहाँ पर अंदर अगर आप कार से आते हो तो कार भी अंदर कर सकते हो पार्क, और अगर आपकी बाइक है तो बाइक भी अंदर ला सकते हो आप। तो मतलब बहुत ही जेन्युइन है, बाइक की भी सेफ्टी है, आपकी भी सेफ्टी आपकी तो है ही है। मतलब ठीक है, अगर हम धर्मशाला के अकॉर्डिंग देखें तो ये बहुत ही जेन्युइन है और बहुत ही बेहतरीन है। मैं आप लोगों को ये बता रहा था कि अब बस हम अभी एक्चुअली क्या है ना कि यहाँ पर जो है पानी नहीं है, नदी में पानी वगैरह बिल्कुल नहीं, जो कि मैंने आपको सुबह 4 बजे दिखाया था जब जैसे ही हम पहुँचे यहाँ पर। तो बस अब हम क्या करने वाला है कि हमारे पास कोई ऑप्शन ना होते हुए भी, बट हम ऋषिकेश तो जाने वाले थे, तो ऋषिकेश जाने का एक और ये मकसद मिल गया और हम जा रहे हैं अब ऋषिकेश। तो ऋषिकेश यहाँ से मतलब 27 किलोमीटर है, तो 28 किलोमीटर हम लेके चल रहे हैं। तो अब हम देखते हैं वहाँ पर भी जाने के, जाकर घूमने वाली अच्छी जगह है, तो हम वहाँ जा रहे हैं फ़िलहाल अब तो। और वहाँ जाके हम बिल्कुल ही मतलब पूरी कोशिश करेंगे कि वहाँ के भी पूरी वीडियोज़ बनाएँ और हम बिल्कुल शेयर करेंगे दोस्तों। तो मिलते हैं अब इसी के साथ ऋषिकेश में। मैं आपको अपना होटल दिखाता हूँ, धर्मशाला तो देख लिया, मैं आपको रूम दिखाता हूँ। ये रूम नंबर 81 है हमारा, 82 है, 81 नहीं है, 82 है। ये देखो धर्मशाला है और ये रूम है, मतलब कुछ फैसिलिटी तो नहीं है बट ठीक है, मतलब ओवरऑल ये वॉशरूम है, गया हुआ वॉशरूम, बट हाँ 3 बंदे आराम से सो सकते हैं। के लिए हमने तो बस ये रूम जो लिया था वो बस रेस्ट करने के लिए लिया था, तो मतलब रेस्ट हम अभी ये देख लो आप, 4 बजे हम इन करते हैं, 4:30 या 5 बज गया वो हमें, और 5 बजने के बाद बहुत ही मतलब हम यहाँ पर बेहतरीन तो नहीं कहेंगे बट हाँ आराम से हमारी नींद पूरी हुई। जो हमारे हरासमेंट थे सारे के सारे सही है, अब बिल्कुल परफेक्ट है, अब हम रेडी हैं राइड के लिए। तो बस हम थोड़ी देर में निकल जाएंगे, तो मिलते हैं हम इसी के साथ अपने नेक्स्ट अच्छी सी बारिश में। और ये देखो क्या, देखो सूर्य का प्रकाश सीधा ऊपर, कहते हैं ना सन किसेस में, तो वही वाली बेहतरीन। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं यहाँ पर हल्दी बॉडी में, मैं आपको दिखाता हूँ पीछे का सीन, बहुत ही बेहतरीन है। अभी इतनी अच्छी धूप है प्यारे दोस्तों, मैं कुछ नहीं बताया। यहाँ देखो हल्दी बॉडी की एंट्री, दिल्ली में जो भी रहता है यहाँ ना आए, ऐसे तो हो ही नहीं सकता, ऐसे में बाइक में बात कर रहे हैं बस स्टॉप के पास। आजा है वो पानी है यार, इतना तो है कहीं, गाड़ी देखना पड़ेगा। हाँ यार नहीं
मारने वाले ही रहते हैं ना, उठा लेते हैं। अबे तेरे को लगता है देख शंकर, शंकर भगवान की मंदिर देखो रही वही है भाई। एक तो ये बैठी वाली भी तो वाइट कलर की है जो दूर गई थी। अरे वो केदारनाथ में कह रहा हूँ चल ले वहाँ पर, वो ये कितना प्यारा बना दिया ना। जय श्री कृष्ण बोल श्री राधे श्री राधे। हर हर गंगे घर घर गंगे। चावल वगैरह सब्जी वगैरह देख लो, मतलब ठीक है वैसे इतना ऑफ सीजन में यही होना है। वैसे दोस्तों आप सभी को छोटी दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। वहाँ देखो मनसा देवी का है ये वो पहाड़ पर। इससे आगे नहीं बढ़े हैं तो कहाँ है यार, जल्दी कर यार। छोटे वाला आ जाना, मतलब सही है अभी पानी वगैरह नहीं है, लेकिन हाँ बस आ सकते हैं। हरिद्वार महिमा ही अलग है, लेकिन फिर भी देख लो यहाँ पर जो क्राउड है, लोग भक्त लोग हैं वो हैं, मतलब फिर भी हैं ऑफ सीजन में भी हैं। तो यही महिमा है हमारी गंगा मैया की। हम आगे बढ़ते हैं, आगे आ जा फटाफट आ जा। अरे आना तू नहा, एक नहाने की मत सोच भाई, नहा नहीं पाएगा सही बता रहा हूँ। बस ऊपर ऊपर से 5 मंत्र स्नान कर लेते हैं, आना यहाँ करेंगे ना पानी थोड़ा सा जहाँ वहाँ। देखिए इधर को पानी है, ये पकड़ इसको पकड़ बनाओ। अब हम यहाँ से चल चुके हैं, अब हम हर ऋषि केस के लिए यहाँ से प्रारंभ करेंगे अपनी यात्रा। हम यहाँ से दोबारा हम यहाँ से ऋषि केस के लिए शुरू करने वाले, बट हाँ फिर भी जो है सही है, मतलब गंगा मैया है तो कुछ होगा तो नहीं, तो वही वाली बात है सही है, बट हाँ ठीक है। ओवरऑल देखो लोग कहाँ गए नहाने के लिए, मेन बात है लोगों के पास ऑप्शंस नहीं है ना, इसलिए हरिद्वार आए तो कर लेना है। हाँ क्राउड तो इससे ज़्यादा होता है शाम को जब आरती होती है, तो महिमा तो आरती की ही है ज़्यादा, आरती का तो आनंद ही अलग है।
चरम सुख जिसको कहते हैं, चरम नहीं परम सुख। तो बाकी सब ठीक है, अभी हम गंगा मैया से आगे लेते हैं, हम चले यहाँ से। बस बाकी ठीक है, कहते हैं मंजिल से ज़्यादा उसके रास्ते इंजॉय करना चाहिए, तो हमने इंजॉय तो नहीं करा, बट हाँ हमें अच्छा बहुत लगा। ये मेरी तो सेकंड राइड है, बट मेरी परी की पहली राइड है, और मेरे फ्रेंड क्वेश्चन की भी पहली राइड है। अब हम यहाँ से ऋषि के लिए निकल चुके, बट ये देखो मार्केट में भीड़ है। घाट जय श्री कृष्ण दे तो हमें अभी आ गया दीजिए। अब हम यहाँ से ऋषिकेश के लिए निकले, अब हम यहाँ पर किसका वेट कर रहे हैं, दूध का वेट कर रहे हैं, भाई के दूध का। भाई इतना बड़ा हो गया लेकिन दूध आदमी पीता है। हरियाणा वाला है, हाँ भाई हरियाणा वाले दूध पीते हैं। हाँ तो दोस्तों मैं आपको ये बता रहा था कि अब यहाँ से हम सीधा ऋषिकेश के लिए निकलेंगे, और हम वहाँ पर पूरी कोशिश करेंगे कि कोई एमटी फॉल है तो एमटी फॉल हम जरूर जाएंगे वहाँ पर, क्योंकि एमटी फॉल बहुत लोगों ने हमें बताया एमटी फॉल के बारे में। हाँ और ये देखो कुल्हड़ चाय तो मैंने पिया था, कुल्हड़ दूध भी पी रहे हैं, सच में कसम से मैंने कभी नहीं पिया था। ठीक है दूध बच्चे तो नहीं, बट नॉर्मल दूध जैसे दूध होगा और फैस हो गया। बाकी हम यहाँ से निकलते स्टार्ट कर रहे हैं। कृष्णा दोस्तों कैसे हो? तो दोस्तों मैं अब आपको ये बता दूँ कि वीडियो तो पूरी हो चुकी है, बट मैंने बहुत कोशिश की है जितने कैप्चर कैसे उतना मैंने कराया है, और मैं इसके बाद एक और छोटी सी वीडियो अपलोड करूँगा जो हमारी है हरिद्वार से ऋषिकेश की ओर। ये तो दिल्ली से हरिद्वार है, अब नेक्स्ट हम हरिद्वार से ऋषिकेश की ओर अपलोड करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, हरे कृष्ण दोस्तों, हमारे साथ बने रहिए।